title of the topic is Confidentiality, Integrity and Non Repudiation. Pehle is topic ke objectives After completing this topic, a student will be able to explain data confidentiality, data integrity and non repudiation services. this topic, we use wali figures and material. Hai, they have been taken from uh, William Stallings' book with the title Network Security Essentials. Applications and standards. This book was published in 2014. Jo, uh, the OSI architecture hai security. Ka, uh, it defines services. Five services have been uh, defined uh, for security authentication, access control, data confidentiality, data integrity, and non repudiation. In this topic, we have uh, data confidentiality, data integrity. एंड नॉन रेपूडिएशन को स्टडी करेंगे सबसे पहले डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी इज द प्रोटेक्शन ऑफ द ट्रांसमिटेड डेटा फ्रॉम पैसिव अटैक्स आपने पैसिव अटैक्स यानी कि जो ईज ड्रॉपिंग है अपने डेटा को उससे बचाना है सो दिस डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी इट विल इट विल एश्योर दैट द डेटा रिसीव्ड आर एग्जैक्टली एस सेंट बाय एन ऑथराइज्ड एंटिटी यानी कि उस डेटा में ना तो कोई मॉडिफिकेशन हुई है ना कोई इंसर्शन हुई है ना कोई अनऑथोराइज किसी बंदे ने सिर्फ उसमें से कुछ डिलीट किया है और ना उसे कोई रिप्ले कर सका है अगर हम ब्रॉडस्ट uh, सेंस में लें तो ये जो सर्विस है इट विल प्रोटेक्ट ऑल द यूजर ट्रांसमिटेड बिटवीन टू यूजर्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम तो ये दो यूजर्स के दरमियान क्या करेगी जितना भी मैसेजेस कम्युनिकेट हो रहे हैं उसको प्रोटेक्ट करेगी फॉर एग्जाम्पल अगर हम टीसी की टीसीपी की बात करें टीसीपी कनेक्शन इज सेटअप बिटवीन टू सिस्टम इट विल प्रिवेंट द रिलीज ऑफ एनी यूजर डेटा ट्रांसमिटेड तो जो भी डेटा ट्रांसमिट हो रहा है दो यूजर्स के दरमियान उसको यह क्या करेगा प्रोटेक्ट करेगा अगर हम इसका नैरल फॉर्म देखें तो इसका जो नैरल फॉर्म है ऑफ द सर्विस इट विल इंक्लूड प्रोटेक्शन ऑफ ए सिंगल मैसेज एक सिंगल मैसेज को आप प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं ये नैर फॉर्म है या आप क्या करना चाह रहे इस सर्विस का एक और एस्पेक्ट यह है ट्रैफिक फ्लो फ्रॉम एनालिसिस जो डेटा ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन एंटिटी या फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर आपने ये भी इंश्योर करना है कि उस ट्रैफिक को उस इंफॉर्मेशन कोई एक्सेस करके उसको एनालाइज ना करके कुछ इंफॉर्मेशन को डिस्कवर ना कर ले सो दिस रिक्वायर्स दैट एन अटैकर नॉट बी एबल टू ऑब्जर्व द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन तो ना तो उसे सोर्स की इन्फॉर्मेशन पता चलनी चाहिए ना डेस्टिनेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए ना लेंथ के बारे में और द अदर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रैफिक तो वो ट्रैफिक फ्लो को एनालाइज ना कर सके ये भी आपकी डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी की सर्विस प्रोवाइड करेगी अब हम आते हैं डेटा इंटेग्रिटी पे डेटा इंटेग्रिटी कैन अपलाई टू ए स्ट्रीम ऑफ मैसेजेस एक स्ट्रीम ऑफ मैसेजेस के ऊपर अप्लाई हो सकती है इट कैन ईवन बी अपलाइड ऑन ए सिंगल मैसेज और इट कैन ईवन बी अप्प्लाइड ऑन ए सिलेक्टेड पोर्शन ऑफ ए मैसेज को तो कुछ फील्ड के ऊपर भी अप्लाई की जा सकती है डेटा इंटेग्रिटी लेकिन अगर आप देखें द मोस्ट यूजफुल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच इज टू अप्लाई डेटा इंटेग्रिटी ऑन द स्ट्रीम ऑफ मैसेजेस तो आप क्या करना चाह रहे अपने जो स्ट्रीम ऑफ मैसेज है उनको आप प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं इस इस इंटेग्रिटी में हम दो चीजें कंसिडर कर सकते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड इंटेग्रिटी सर्विसेज एंड कनेक्शन लेस इंटेग्रिटी सर्विसेज जो कनेक्शन ओरिएंटेड है जिसमें दो एंटिटीज के दरमियान एक कनेक्शन एस्टेबलिश हो जाता है ये सर्विसेज क्या करती हैं दे विल डील विद स्ट्रीम ऑफ मैसेजेस एंड दे विल एश्योर देट द मैसेजेस आर रिसीव्ड एज सेंड जिस तरह मैसेज भेजे गए थे उस रिसीव हुए हैं विद नो डुप्लीकेशन कोई डुप्लीकेशन नहीं हुई इनसेशन कोई नहीं हुई कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुई कोई री ऑर्डरिंग नहीं हुई एंड नो वन हैज रीप्लेड द मैसेजेस तो ये जो कनेक्शन ओरिएंटेड इंटेग्रिटी सर्विसेज हैं दिस इज वट दे इंश्योर द कनेक्शन ओरिएंटेड इंटेग्रिटी सर्विस एड्रेसेज बोथ मैसेज स्ट्रीम मॉडिफिकेशन एंड डिनाइल ऑफ द सर्विस तो वो मैसेज स्ट्रीम की मॉडिफिकेशन को भी एड्रेस करता है और जो डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक है उसको भी ये केटर करेगा अब हम आते हैं कनेक्शन लेस इंटेग्रिटी कैसे काम करती है ये जो कनेक्शन लेस इंटेग्रिटी सर्विस है इट विल डील विद इंडिविजुअल मैसेजेस विदाउट रिगार्ड टू एनी लार्जर कॉन्टेक्ट जो लार्जर कॉन्टेक्ट है उसको नहीं कंसिडर करेगा एंड जनरली प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैसेज मॉडिफिकेशन ओनली बिकॉज द इंटेग्रिटी सर्विस रिलेट्स टू एक्टिव अटैक्स वी आर कंसर्न वी आर मोर कंसर्न विद द डिटेक्शन रादर देन प्रिवेंशन तो हम एक चाहते हैं कि ये जो जो अटैक्स हैं एक्टिव अटैक्स हैं इनको हम डिटेक्ट कर सकें uh, तो ऑटोमेटेड रिकवरी मैकेनिज्म्स दे शुड अलाउ टू रिकवर फ्रॉम द लॉस ऑफ इंटेग्रिटी ऑफ द डेटा अगर डेटा की इंटेग्रिटी लूज कर जाते हैं तो आपका जो सिस्टम है उसे रिकवर भी कर जाना चाहिए अब हम आते हैं नॉन रेपीशन के बारे में नॉन रेपीएशन इट विल प्रिवेंट आइदर आइदर सेंडर और रिसीवर फ्रॉम डिनाइंग ए ट्रांसमिटेड मैसेज तो आपका जो सेंडर है या रिसीवर है जब उसने मैसेज को सेंड uh, किया वो उसको डिनाई नहीं कर सकता सो नॉन रेप्यूडेशन विल अलाउ दिस वेन ए मैसेज इज सेंड अगर कोई जब मैसेज भेजा जाता है दस रिसीवर कैन प्रूव द एलेज सेंडर इन फैक्ट सेंट द मैसेज तो जिसने भेजा मैसेज उसको आप क्या कर सकते हैं आइडेंटिफाई कर सकते हैं सिमिलरली वेन ए मैसेज इज रिसीव्ड The sender can prove that the alleged receiver in fact received the message. So, sender ko aap identify kar sakte, receiver ko bhi aap kya kar sakte? identify kar sakte with the help of non repudiation services. The availability service hai, it is the property of a system or a system resource being accessible and usable upon demanded by an authorized system entity according to performance specifications for the system. आपकी अवेलेबिलिटी की सर्विस है वन दैट प्रोटेक्ट इज सिस्टम टू इंश्योर इट्स अवेलेबिलिटी तो ये इंश्योर तो करेगा कि आपकी अगर जो अवेल आपका जो सर्विसेज हैं दे आर ऑलवेज अप इट एड्रेसेज द सिक्योरिटी कंसर्नस रेज बाय डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक अगर तो किसी ने डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक कर दिया तो ये उसको एड्रेस करेगा इट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर मैनेजमेंट एंड द कंट्रोल ऑफ द सिस्टम रिसोर्सेज तो इस टॉपिक पे हम लोगों ने कॉन्फिडेंशियलिटी इंटेग्रिटी एंड नॉन रेपोडिएशन सिक्योरिटी सर्विसेज को स्टडी किया है